बहुत ही आसानी से और तुरंत बन जाने वाली आलू मटर की सब्जी सभी घरों में अक्सर ही बनाई जाती है। ये एक साधारण सी सब्जी है जो बनाने में आसान, खाने में टेस्टी और कम समय में झटपट बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो भी आप इस सब्जी को बना सकती हैं, क्योंकि घर में आलू तो हमेशा ही होता है। इस सब्जी को हम बहुत ही साधारण तरीके से बनाएंगे, जिसे आप अपने रोज के खाने में आसानी से बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है एक कढ़ाई, जिसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, जिससे इसकी कच्ची स्मेल और कच्चापन निकल जाएगा। और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और अब हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई कर लें, क्योंकि अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन। जब प्याज हल्का सा फ्राई हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन। यहाँ मैंने अदरक लहसुन को कद्दूकस करके ले लिया है। 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे दोनों को मिक्स करके, और अब इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ मेरे गैस का फ्लेम जो है ना, मीडियम टू लो है। हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। आज मैंने पूरी सब्जी ही मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाई है, हाई फ्लेम पर नहीं बनाई है। सच में अगर आप लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर सब्जी बनाते हो ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब प्याज अदरक लहसुन हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी। जितनी आपने प्याज ली है, उससे दुगना आपको यहाँ पर टमाटर ऐड करना है। मैंने 1 प्याज ली थी, उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टमाटर यूज़ किए हैं। उसी के साथ हम ऐड कर देंगे अब इसमें कुछ मसाले। 1 चम्मच नमक हम इसमें ऐड कर देंगे, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। उसी के साथ डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छे कलर के लिए, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। उसी के साथ ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, सौंफ पाउडर आप ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा आपकी सब्जी में। और सभी को अब हम चलाते हुए, मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इनसे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। आप चाहे तो इसको ढककर भी पका सकते हैं, या चाहे तो खुला भी पका सकते हैं, पर अगर आप ढककर पकाएंगे तो जो ऑयल होता है ना, वो इधर उधर नहीं जाएगा और आराम से आपके सारे मसाले जल्दी ही पक भी जाएंगे। मैंने इसको ढककर पका लिया 2 मिनट के लिए। हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देखिए ये कढ़ाई से सेपरेट होने लगे हैं। अब हम इसमें आलू को ऐड कर देंगे। आज की सब्जी मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर हम आलू को डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। सब्जी को बनाने के लिए मैंने 3 आलू यूज़ किए हैं। 3 आलू को मैंने ऐसे ही मोटा मोटा काट लिया है। अब आलू को ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इनको ढककर पकाएंगे 15 मिनट के लिए। पर बीच बीच में आप इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स करते रहना, नहीं तो जो हमारा मसाला है नीचे से लग भी सकता है। गैस का फ्लेम अभी भी लो ही है, हम इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे बीच में चलाते हुए। यहाँ पर मैं नया आलू यूज़ कर रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। आप सभी को पता होगा, नया आलू पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाता है, तो इसको फिर से हम ढककर पकाएंगे। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको थोड़ा कम समय लगे सब्जी को बनाने के लिए, या हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा भी समय लग सकता है, क्योंकि सबकी कढ़ाई का जो मोटाई होती है वो थोड़ी अलग होती है। अब यहाँ पर हम एक आलू को ऐसे काट कर देख लेंगे। आलू जब 75% कुक हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप मटर, क्योंकि यहाँ पर मैंने उबली हुई मटर यूज़ की है। अगर आप उबली हुई मटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप आलू के साथ ही मटर भी ऐड कर देना, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम। और 1-2 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए इनको हम फ्राई कर लेंगे। 1-2 मिनट तक अच्छे से मटर को आलू के साथ फ्राई करने के बाद, अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी फ्रेंड्स आपको उबला हुआ ही इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमारी सब्जी लगभग बन चुकी है, तो हम इसमें गर्म पानी ही ऐड करेंगे। कच्चा पानी आप इसमें ऐड मत करना, उससे सब्जी का टेस्ट और टेक्स्चर दोनों ही ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर हम इसमें अभी 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी आप ग्रेवी पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पानी इसमें ऐड कर दिया है। पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे मिक्स करने के बाद पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पर 1/2 कटोरी पानी इसमें और ऐड करने वाली हूँ।
गर्म पानी डालने से आपकी सब्जी का जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और सब्जी का फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे लंबी कटी हुई हरी मिर्चें, यहाँ पर मैंने 3 मिर्चें यूज़ की हैं। उसी के साथ ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सभी को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये सब्जी हल्की खट्टी और तीखी बहुत ही लाजवाब बनती है और आप इस वक्त अपनी सब्जी को एक बार चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक आलू को चमचे में निकाल लें और उसको उल्टे चाकू से इस तरह से हल्का सा कट करके देखें। अगर आलू आराम से कट रहा है तो मतलब हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है। यहाँ हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है। अगर इस वक्त आपकी सब्जी नहीं पकी होगी तो आप उसको 2-3 मिनट के लिए फिर से ढककर पकने के लिए छोड़ देना और जब सब्जी बन जाएगी तब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब करेंगे हम इसको सर्व। सब्जी को सर्व किया है मैंने बथुए के पराठे के साथ। आप इसको रोटी, पूड़ी, पराठा या चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ।